के बाद आप सभी का स्वागत है। उज्जैन में लोकायुक्त ने डिप्टी कलेक्टर हुकुम चंद्र सोनी के ठिकानों पर छापे मारे। इस दौरान हुकुम चंद्र सोनी के करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ। डिप्टी कलेक्टर के पास आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त की टीम ने आज सुबह 6 बजे इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ। डिप्टी कलेक्टर के पास कई मकान, दुकानें, जमीन, ट्रक, कार और नकदी समेत लाखों रुपए के गहने मिले। वहीं उनके पास 2 बैंक लॉकर होने का भी खुलासा हुआ। लोकायुक्त की टीम आगे भी हुकुम चंद्र सोनी के खिलाफ अपनी जांच जारी रखेगी। उनके बाकी ठिकानों पर भी छापेमारी की जाएगी। अभी तक की इनकी जानकारी मिली है कि अचल संपत्ति में इनका ये मकान है 674 वैशाली नगर में 30x50 का, जिन्होंने 3 मंजिला बनाया हुआ है। एक मक्सी रोड पर इनका करीब करीब 4500 एकड़ फुट में एक गोडाउन बना हुआ है। उसमें 4, 5, 6, 7 दुकानें हैं जिससे इनकी लड़की चला रही है। लैपटॉप, टीवी, बैंक प्रॉपर्टी, कुछ अभी सब कार्य। अभी तक कितने करोड़ का मकान?